हमें ना बहुत सेफ्टी मेजर के वजह से सारे एक्शन डायरेक्टर बोलते थे कैमरा दूर लेके जाओ, और हम लोग कुछ दिनों तक सुनते रहे, फिर बोल रहे थे खामा खा इतना दूर भेज देते, कैमरा शॉट भी ठीक से मिलता नहीं और गाड़ियाँ तो आती भी नहीं यहाँ कैमरे तक। तो हमने तीसरे या चौथे दिन ना बिना एक्शन डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन सुनो कैमरा आगे लेकर चले गए थोड़ा सा और पास में, और कैमरा को लगाया कि क्या होगा, कितना होगा, क्या गाड़ी कितने दूर आ जाएगी, कैमरा तक आएगी क्या। तो कैमरा खड़ा था हमारे पीछे, मतलब कैमरामैन थे, मैं खड़ा था, राकेश जी खड़े थे और तीन चार लोग थे। लास्ट मोमेंट में किसी ने, एक बंदे ने आके बोला नहीं फिर भी सेफ्टी के लिए ऐसे गाड़ी खड़ी कर देते कोने, उसने गाड़ी खड़ी करके गए और गाड़ी आई, हम कैमरे में थे देखे, और गाड़ी ऐसे पलटी, पलट के लैंड की और पूरा मेरे को 100 उसका स्पीड था 110 माइल किलोमीटर भी नहीं पर आवर पे हम तक आ रहा था वो फुल स्पीड से, इट वॉज स्ट्रेट अवे कमिंग। हमारे पास कुछ सेकेंड्स थे, राकेश जी वहाँ कूदे, मैं वहाँ कूदा, कैमरन कहीं कूदा, और वो गाड़ी आके जो गाड़ी सामने खड़ी थी हमें बचाने के लिए उसमें फुल इम्पैक्ट किया, कैमरा गिरा इस तरफ, और फिर हम सब धूल से सहने वैसे उठे, थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि क्या हो गया। उस दिन तो मतलब हम लोग सब जाते थे, बहुत बाल बाल बचे। And I was really impressed with the crash, car crashing and explosions. गाड़ी खरीद ली, फिर 30 खरीद ली, ऐसे करते करते 58 गाड़ी खरीदी हम। वी हैड अ गैराज और 1 एकर जिसमें 16-17 मैकेनिक्स काम करते थे, और वो उसको डेंट वेंट ठीक करके नेक्स्ट डे के लिए फिर से तैयार करते थे। जब भी कुछ रिक्वायरमेंट होती थी और मैं बड़े संकोच के साथ उनसे पूछता था जाके, बहुत हिचकिचा के, सर ये कुछ हेलीकॉप्टर मंगाना है मुझे एक दिन के लिए, बोले कौन सा सीक्वेंस शूट करना है, सर वो फलाना सीक्वेंस शूट करना है, तो एक दिन में कहाँ होगा, उसको 3 दिन जरूरत पड़ेंगे। गाड़ियाँ जहाँ मुझे 25 जरूरत थी वहाँ पे 30 गाड़ियाँ आई। तो ये सब गाड़ियाँ ढूंढना सेम कलर्स की, अगर ना मिले सेम कलर की तो उस गाड़ी को वो कलर करना, तो ये सब काम बिहाइंड द कैमरास गैराज में चल रहा था। When I saw that in the screen is looking huge, like huge action and beautiful. Amazing. मुझे याद है पहले दिन जब राकेश जी फिल्म शूट होने से पहले पूछे बेटा कितने दिन लगेंगे तुम्हें लगता है, मुझे 90 दिन बोलने थे और मैं डर रहा था 90 दिन बोलने के लिए कि वेदर 90 डेज ओके इज टू मच, सर आप बताइए ना कितना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको आप तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो बोला बेटा 130 दिन कुछ लगेंगे। He had to sort of bring that world and sort of merge it with my father's amazing and fantastic sense of huge big commercial mammoth film. So he had to sort of, you know, fit himself in that groove, and I think he did that beautifully. I just love him so much, and I respect him so much, and I admire him. I'm so thankful, and I love him so much. I was, of course, completely on Anurag's side because I know what he was going for, and you know, whatever he said was just seeming so right. I was the one behind this whole thing happening, just nudging it towards, you know, yeah, helicopter, yeah, just let's get that in. You want? Yeah, let's get that in. You know? Yeah, let's do this. You know? So I was the one who was trying to sort of the mediator and sort of the nudger, you know, to get exactly what Anurag had in mind, because I believed in his vision so much. He's a great director, and the movie is looking so good because he knows at the end, you know, really deep inside, he knows what he's doing. I found myself fortunate to give myself completely, you know, and wholeheartedly. To Anurag, because I knew that if I had to take a fall, you know, he'd be there, you know, he would help me out, he would catch my fall. So I just let myself go. I actually was about flying like the kites. We just you know, when he said action, we were just flying. कहावत अंग्रेज़ी में that kites fly against the wind, not with the wind. जितनी हवा तेज होती है पतंग उतनी ही ऊपर उड़ती है. इनके साथ भी हुआ, ये दोनों lovers जो हैं इनका प्यार और गहरा होता गया जितना कि इनके विरुद्ध हवा चलता रहा। काइट जो है कैन बी नाइस मेटाफर इन द फिल्म। दिस विजन वाज सो स्ट्रांग एंड इट वाज सो आउट ऑफ द बॉक्स दैट आई न्यू इट वाज माय डेस्टिनी दैट दिस फिल्म हैड टू बी मेड। एक खूबी अनुराग की, दूसरी खूबी मेरी, हम दोनों ने ये सैंडविच करके ये पिक्चर बनाई है।